बन गई तो ठीक। चलिए क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं पीएस वैल्यूज के बाद। देखो अब आप देखेंगे, अब देखेंगे, देखिए अब हमारे पास क्या है, वी नो, इसी में लिखना फिर से, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वी नो एच आई एम की वैल्यू 10^-7 आ गई थी ये, तो दियर फोर पी एच कितना होगा बोलो, पावर को एक्स टू पी एच बराबर 7 कर दीजिए, एच आई एम 10^-2 पी एच बराबर 7। सिमिलरली इसी में लिखना है आपने सब नोट तो अच्छे नंबर में। सिमिलरली कंसंट्रेशन ओ एच आई एम इक्वल टू 10^-7 दियर फोर पी ओ एच हो जाएगा इसमें इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा नंबर वन, इफ यहाँ से देखिए, इफ एच आई एन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन, देखो वन को लिखो या ना लिखो 1.0 भी लिख सकते हैं (10^-7). जब एच की एच आई एन की वैल्यू 1.0 (10^-7) से बड़ा होगा, बड़ा माने क्या हुआ, -7 में प्लस 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा -6, -7 बड़ा है या -6 बड़ा है, -6 बड़ा है ना। देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसमें प्लस कर देंगे तो ये 10^-6 हो जाएगा, फिर और इसमें ही प्लस 1 कर देंगे 10^-9, इसका मतलब एच आई एन की वैल्यू जब 7 से बड़ी तो वो क्या होगा, एच आई एन प्लस, सो इट विल बी एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन अगर उसमें एच आई एन की कंसंट्रेशन 10^ इतनी है, एच आई एन का मान ज्यादा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी और दैट इज -7 का मतलब पीएच कितना हुआ 7 हुआ, तो 7 से बड़ा क्या हुआ नहीं, पीएच 7 इस एच आई एन 10^-7 से बड़ा होगा। आज हो गया पावर में तो वो हो गया ना, 10^-7 का मतलब हो गया कि 10^-6 इससे बड़ी का मतलब इंटेंसिटी वैल्यू क्या आ जाएगी 10^-6 10^-5 10^-7 ये भी है, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, या आप लिखेंगे पीएच इज लेस देन 7। देखो ध्यान देना यहाँ पर, कई बच्चे कंफ्यूजन कर लेंगे एच एन, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, 10^-7 तो हो गया लेकिन प्लस में वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 -4 इससे बड़ा है 7 से बड़ा है 6 हो जाएगा, पीएच 6 यानी पीएच 5 पीएच 4 इसका मतलब 7 से, इस फॉर्मूले के अनुसार 7 से बड़ा, यानी पीएच जब क्या होगा, जब 7 बड़ा होगा उससे 7 से कम यानी 6 5 4, तो पीएच इज लेस देन जब 7 होगा तो एसिडिक हो गई, ये ध्यान रखें, कई इसमें समझने में बड़ा टाइम लगता है, ऐसे समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इफ ओएच आयन इज लेस देन 1.0 × 10^-7, ये लेस देन का मतलब इससे इससे लेस हो जाएगा, और 10^-9 10^-10 कुल मिलाकर इसका पीएच अगर निकालेंगे पीएच, तो पीएच 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 ये पीएच है, -7 का पीएच 6 5 4 तो एसिडिक होगा, तो 7 से कम यानी 8 9 10 हो जाएगा, यानी पीएच 8 9 10, तो ये हो जाएगा आपका बेसिक, दैट इज ये हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। ये कई बार आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप ही के कोर्स में है, बगैर सॉल्यूशन और पी ओ एच यहाँ पर ग्रेटर देन 7, तो इसलिए जब ओ एच एन का मान 7 से ज्यादा होगा विद्यार्थियों तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और एच एन कम होगा तो इतना हो जाएगा, और तीसरा जब वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि देखिए जितने एच एन होते हैं उतना ही ओ एच एन होता है पानी में, यानी ये बराबर सब 10^-7 होंगे, तो इसमें इसका जब पी एच बराबर 7 होगा, ये पावर 7, तो ये वैल्यू सीधे सीधे न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो 7 को न्यूट्रल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। बस इस प्रकार से यहाँ पर अपने नोट्स को कंप्लीट कर देना और आपका पी एच वैल्यू कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पी एच वैल्यू कंप्लीट।